है गाइज ओ वेरी वोम वेलकम टू द क्लास हाउ यू गाइज डूइंग आई होप यू गाइज आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ इन दिस लॉकडाउन पीरियड बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ राइट अपने आप को हेल्दी रखना है और क्या करना है और पढ़ते रहना है राइट तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए बायोलॉजी प्रैक्टिकल और बायोलॉजी प्रैक्टिकल ये सबसे पहला है जिसमें हम स्टडी करेंगे पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले मैं सबको बता दूं कि ये जो प्रैक्टिकल है ये स्टार्ट किया गया है अन अकेडमी क्लास इलेवंथ एंड ट्वेल्थ के द्वारा जिसमें हम क्या करेंगे हम क्विज पढ़ेंगे ट्यूटोरियल्स करेंगे और प्रैक्टिकल्स करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मैम सर प्रैक्टिकल्स ज़रूर हैं राइट right? थर्टी मार्क्स का प्रैक्टिकल आता है अब हम स्कूल तो जा नहीं रहे तो प्रैक्टिकल्स कैसे करें तो उसके लिए हम आपके लिए प्रैक्टिकल्स लेके आए हैं ठीक है तो जिन जिन बच्चों को मेरे बारे में नहीं पता उन सबको मैं बता दूं कि मेरा नाम है सिमरन विनायक मैंने अपनी स्टडी बायोमेडिकल रिसर्च में की है बायोमेडिकल रिसर्च एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम ह्यूमन बॉडी के बारे में जानते हैं हम वेरियस डिसीज़ेज़ के बारे में पढ़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च पर फोकस किया जाता है ठीक है तो मैंने रिसर्च किया कैंसर सेल्स पर उस पर भी मैं एक लेक्चर ज़रूर बनाऊँगी फिर मेरा एक्सपीरियंस है थ्री इयर्स का और मेरा रैंक आया थर्टी थर्टी फाइव इन सी एस आई आर नेट विच इज़ एन ऑल ओवर इंडिया एग्जाम ऑल्सो फॉर मास्टर्स आई आई टी जैम वॉज गिवन बाई मी एंड द रैंक वॉज हंड्रेड एंड टेन सो अब आपको मेरे बारे में पता चल गया है सो दैट वॉज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन अब मैं बता दूँ कि आप सब बच्चे ये शेयर कीजिएश टैग लाइव स्कूल डेली क्योंकि अन अकेडमी ने शुरू किया है कि आप घर बैठे स्कूल की तरह फीलिंग लें स्कूल में जितने लेक्चर्स होते हैं प्रैक्टिकल्स होते हैं क्विजेज होते हैं ट्यूटोरियल्स होते हैं उतनी भी प्रैक्टिस अगर आपको यहाँ पे मिल जाए आपका गेन हो जाए तो हमसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी ठीक है तो लाइव स्कूल डेली हैश टैग करके सबके साथ शेयर करना है आपको उसके बाद सी बी एस ई प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का हो चुका है राइट बाकी सब्जेक्ट्स का भी हो चुका है आप प्लेलिस्ट में देख चुके हैं अब ये है बायोलॉजी का प्रैक्टिकल जिसमें हम वाइवअ वोस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल होता कैसे है और आज का हमारा टॉपिक है स्टडिंग द पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप क्योंकि बायोलॉजी में सबसे पहले माइक्रोस्कोप को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है ठीक है इसीलिए मैंने ये टॉपिक सबसे पहले चुना है उसके बाद ट्यूटोरियल्स में हम क्या स्टडी करते हैं ट्यूटोरियल्स में हम आपको क्वेश्चंस बताते हैं कि कैसे अटेंड करने हैं एग्जाम में ठीक है फाइव मार्क्स का क्वेश्चन है तो कैसे अटेंड करना है फोर मार्क्स का क्वेश्चन है तो कैसे अटेंड करना है वन मार्क का क्वेश्चन है तो कैसे अटेंड करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते हैं तो ट्यूटोरियल्स बिल्कुल भी मिस नहीं करने ठीक है कोई भी क्लास एक्चुअली मिस करनी ही नहीं है उसके बाद क्विज में हम क्या करते हैं हम क्विज में आपको क्वेश्चन देते हैं आप हमें बताते हैं कि इसका आंसर क्या है तो इसमें हम वेरी शॉर्ट आंसर की जो एक कैटेगरी है वो कवर अप करते हैं ठीक है ठीके? उसके बाद जिन जिन बच्चों को नहीं पता अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में उनको बता दूँ कि अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको इनेबल करती है टीचर के साथ लाइव इंट्रैक्शन के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ यूट्यूब पे नहीं ऐप पे भी पढ़ें अपने टीचर के साथ हर दिन मिलें उनसे ज़्यादा बेहतर समझें बहुत टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें डाउट आपके सॉल्व हों ठीक है आपको पता चले कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं पूरे इंडिया में आपका लेवल क्या है क्योंकि कंपटीशन तो यही होता है कंपटीशन एग्ज़ाम्स में या फिर बोर्ड एग्ज़ाम्स में या फिर स्कूल uh, एग्ज़ाम्स में आपको अपना रैंक हाई चाहिए हा रैंक हाई चाहिए तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपको इम्प्रूव कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं जब आप अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अन अकेडमिक सब्सक्रिप्शन वन मंथ की ट्वेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज़ है थ्री मंथ्स की है 2083 थाउजेंड एटी थ्री एज यू कैन सी सिक्स मंथ्स की 1667 और 12 मंथ्स की 1042 देखिए सब जगह डिस्काउंट मिल रहा है आपको ठीक है पर यह डिस्काउंट और ज्यादा आपके लिए कम हो सकता है अगर आप सिमरन लाइफ कोड अप्लाई कीजिए जब आप सिमरन लाइफ कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 12 मंथ्स के लिए 11,250 थाउजेंड में आपको फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सब पढ़ने को मिल जाएगा लेस देन वन थाउजेंड रुपीज़ तो वेट किस चीज़ की कर रहे हैं क्योंकि आपको भी पता है अभी मे मंथ चल रहा है ठीक है और हमने सिलेबस स्टार्ट कर दिया है right? राइट तो अगर आप सोचेंगे कि मैं बाद में ज्वाइन करूंगा या करूंगी जून या जुलाई में तो क्या होगा आपका लॉस होगा बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कवर हो चुके होंगे और प्राइस उतना ही रहना है है ना तो बेटर है कि हम सिक्स मंथ्स की जगह ट्वेल्व मंथ्स का ले लें राइट right? पर फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मैम अभी हमें ट्राई करना है ठीक है सिर्फ ट्रायल कोर्स लेना है तो ट्रायल कोर्स आपको वन मंथ का नाइन्टी नाइन रुपीज़ मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ सिमरन विनायक लाइफ अप्लाई करने पे ठीक है ये रेफरल कोड लगाएंगे तभी आपको वन मंथ नाइन्टी नाइन रुपीज़ में मिलेगा वरना ट्वेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज़ में मिलेगा ठीक है तो आपकी हेल्प कर रही हूँ मैं तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिले बेस्ट एजुकेशन मिले तो सब्सक्रिप्शन ज़रूर लीजिए ठीक है तो चलो शुरू करते हैं बायोलॉजिकल प्रैक्टिकल बायोलॉजी प्रैक्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप को स्टडी करना आपकी लैब्स में कंपाउंड माइक्रोस्कोप ज़रूर होगा आई एम श्योर ठीक है होगा राइट right? हर एक की लैब में होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है जिसमें दो लेंसेज हैं ठीक है थीके? ये जो नीचे होता है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस ये जिस पे आई रखते हैं आप जिसके थ्रू आप देखते हैं उसको बोलते हैं आई पीस ठीक है या फिर ऑक्यूलर लेंस तो इसको बोलते हैं ऑक्यूलर लेंस या फिर आई पीस और इन सबको आपके क्या पता माइक्रोस्कोप में एक ही ऑब्जेक्टिव लेंस हो वो आपके स्कूल पे डिपेंड करता है किस टाइप के माइक्रोस्कोप है उनके पास तो ये है ऑब्जेक्टिव लेंस ठीक है तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस के थ्रू जब आप माइक्रोस्कोपिक चीज़ें देखते हैं ठीक है उसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं आप अपने ब्लड सेल्स देख सकते हैं आप क्रोमोसोम्स देख सकते हैं ठीक है तो टाइनी टाइनी टाइनीस चीज़ें आप माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं ठीक है तो माइक्रो मीन्स वेरी टाइनी स्टफ विच यू कैन सी लिविंग ऑर्गेनिजम्स राइट तो बहुत टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसलिए करवाते हैं क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक बेसिक माइक्रोस्कोप है जो आप यूज़ करते हैं अपनी लैब्स में राइट बहुत एडवांस माइक्रोस्कोप्स भी होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर उसमें आप ज़्यादा रेजोल्यूशन होती है रेजोल्यूशन ज़्यादा होती है मतलब कि रेजोल्यूशन का मतलब है बच्चे कि सपोज करो दो पॉइंट्स हैं वो आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ ठीक है अगर दो ऑर्गेनिज़म्स हैं बैक्टीरिया हैं ठीक है, है दो बैक्टीरिया हैं आप उनको डिफरेंशिएट कर पाएँ कि ये अलग बैक्टीरिया है ये अलग बैक्टीरिया है तो जितना आप दो पॉइंट्स को डिफरेंशिएट कर पाते हैं उतना बेटर रेजोल्यूशन है ठीक है इसका मतलब है अगर आप मैग्नीफाई भी करें फिर भी इमेज ब्लर्ड नहीं होनी चाहिए अगर आप मैग्नीफिकेशन भी इंक्रीज करें फिर भी इमेज ब्लर्ड नहीं होनी चाहिए इसे बोलते हैं बेटर रेजोल्यूशन ठीक है तो एम किया जाता है कि जितना ज़्यादा अच्छा माइक्रोस्कोप हो उतनी अच्छी रेजोल्यूशन होती है ठीक है फाइन गाइस सो यू अंडरस्टूड माइक्रोस्कोप का मकसद क्या है अब हम इसके पार्ट्स पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं हम प्रैक्टिकल फाइल होती है ठीक है आप ये सब वही है जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल में लिखा है ठीक है एम क्या है टू स्टडी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये तो दिया जाता है है ना आपको स्पॉटिंग के लिए आ सकता है क्या होगा एग्जाम में आपको माइक्रोस्कोप रख दिया जाएगा और आपको पार्ट्स बताने होंगे एग्जामिनर आपके सामने बैठा होगा आपको पार्ट समझाने होंगे तो उसके लिए आपको सारे पार्ट्स पता होने चाहिए राइट तो वही हमारा मकसद है कि हमें पार्ट्स बताने हैं अब क्या करना है आपको सबसे पहले सबसे पहले आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप जब उठाना है ना तो अच्छे से उठाना है दोनों हाथों से ये नहीं कि टशन मार रहे हैं और एक ही हाथ से उठा रहे हैं ये जो आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस है ये डिटैचेबल है गिर जाएगा लेंसेज बहुत एक्सपेंसिव होते हैं तो प्यार से आराम से उठाना है और अपने टेबल पर लेके आना है जब आप ऐसा टेबल चुनते हैं जो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग हो ये नहीं कि बहुत नीचे स्टूल है और माइक्रोस्कोप बहुत ऊपर है तो आपकी आई लेवल के अकॉर्डिंग आपका माइक्रोस्कोप का जो आई पीस आ रहा है वो बेटर है ठीक है तो आपको एक टेबल पे रखना है उसके बाद आपको क्या करना है कंपेयर करने हैं पाथ स्टडी करने हैं उनका फंक्शन समझना है ठीक है फंक्शन समझने के बाद आपको डायग्राम ड्रॉ करना है अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में तो सब ये काम करेंगे ठीक है सब समझेंगे आज मेरी लेक्चर में उसके बाद खुद डायग्राम ड्रॉ करेंगे ठीक है एज अ होमवर्क चलो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक रियल इमेज देता है वो भी मैग्नीफाइड ठीक है इसमें कौन से लेंसेज यूज होते हैं कन्वेक्स लेंसेज कौन से लेंसेज यूज होते हैं कन्वेक्स लेंसेज ठीक है फाइन तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स की एक रियल और मैग्नीफाइड इमेज देता है फाइन तो कंपाउंड क्यों बोल रहे हैं क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज़ हो रहा है ठीक है अब हाईली मैग्नीफाइड इमेज मिलती है मैग्नीफाइड का मतलब है कि आपको ऑब्वियसली माइक्रोस्कोपिक है ना जो भी ऑर्गेनिजम्स आप देख रहे हैं आप अमीबा देख रहे हैं आप देख रहे हैं आप रेड ब्लड सेल्स देख रहे हैं तो आप नेकेड आई से तो देख नहीं सकते इसीलिए आप एक मैग्निफाइड इमेज देखते हैं माइक्रोस्कोप में जो कौन कर रहा है लेंसेज कर रहे हैं लेंसेज आर वंडरफुल राइट ओके तो ये एक पिक्चर है जो आप आपको दिख रही है ये मैंने इसलिए यहाँ पे डाली है क्योंकि आपको दिखाने के लिए कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर भी आपको डब्ल्यू बी सीज और आर बी सीज दिख सकते हैं इट्स नो वंडर यू कैन ईजीली स्टेन यू नो यू कैन स्टेन योर ब्लड आप एक ड्रॉप ऑफ ब्लड लो खुद नहीं करना घर पे ठीक है जब आप सीनियर क्लासेस में हो जाएंगे तो करेंगे ज़रूर खुद करेंगे मैंने तो किया हुआ है ठीक है तो क्या करते हैं एक ब्लड का ड्रॉप कट लगाते हैं अपने आप को ठीक है डरना नहीं है बहुत प्यारा सा एक प्रिक करते हैं ठीक है खुद भी कर सकते हैं किसी और का ब्लड भी ले सकते हैं वैसे तो पेशेंट का लेते हैं है ना माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है जो टेस्टिंग करते हैं वो पेशेंट का ब्लड लेते हैं और काउंट करते हैं नंबर ऑफ डब्ल्यू है ना कौन कौन से डब्ल्यू क्या क्या नंबर है एक टेस्ट रिपोर्ट बन के आती है ना टेस्ट रिपोर्ट में क्या होता है आर नंबर लिखा होता है डब्ल्यू के टाइप्स लिखे होते हैं और हर एक टाइप का नंबर लिखा होता है कि आपके में कितने हैं ठीक है ठीके? तो ये सब हम स्टडी कर सकते हैं बाई कंपाउंड माइक्रोस्कोपी ठीक है तो ये आपको दिख रही है इमेज मैग्नीफाइड इमेज है और इस मैग्नीफाइड इमेज में ये आपको दिख रहे हैं ये हैं आपके रेड ब्लड सेल्स छोटे छोटे बाइकन बाइकनकेव शेप होती है ठीक है डब्ल्यू बी सी छोटे होते हैं ये रेड ब्लड सेल्स हैं ठीक है ठीके? और बाकी के जो आपको पर्पल पर्पल दिख रहे हैं ना ये डब्ल्यू बी सीज हैं वाइट ब्लड सेल्स अलग अलग टाइप के होते हैं आपके डब्ल्यू बी सीज धीरे धीरे आपको क्लास इलेवंथ में पता चल जाएंगे ठीक है फाइन जो बीच में आपको दिख रहे हैं ना ये वाला पार्ट ये न्यूक्लियस है जो डार्कली वायलेट कलर का स्टेंड है वो न्यूक्लियस है ठीक है आरबीसी में वायलेट कलर क्यों नहीं दिख रहा क्योंकि आर बी सी न्यूक्लियस इज एबसेंट आपको पता है ना आर बी सी में न्यूक्लियस नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि उसको हीमोग्लोबिन कैरी करना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन कैरी कर सके इसलिए मेच्योर आर बी सी न्यूक्लियस को डिस्कार्ड कर देता है ठीक है तो आपको ये जो पर्पल कलर के दिख रहे हैं डब्ल्यू बी सी में वो सब क्या है न्यूक्लियस ठीक है तो आप देख सकते हैं आर बी सी ज़्यादा नंबर में होते हैं और डब्ल्यू बी सी कम नंबर में ठीक है समझ आया चलो आगे बढ़ते हैं तो पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप समझने बहुत ज़रूरी हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हम दो कैटेगरी इसमें डिवाइड कर सकते हैं एक है मैकेनिकल पार्ट ठीक है और एक है ऑप्टिकल पार्ट मैकेनिकल पार्ट मतलब जो बॉडी बना रहे हैं माइक्रोस्कोप की ठीक है मैकेनिकल बॉडी ऑप्टिकल मतलब जो लाइट जिसके थ्रू पास हो रही है लेंसेज राइट फाइन जो हमें देखने में मदद कर रहे हैं वो सब ऑप्टिकल पार्ट्स हो गए ओके okay? फाइन चलो आगे बढ़ते हैं अब ये देखो ये एक टिपिकल डायग्राम है आप देख सकते हो पिक्चर है माइक्रोस्कोप की तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये है मिरर ये क्या है मिरर कई माइक्रोस्कोप्स में मिरर होता है और कई माइक्रोस्कोप्स में लाइट का सोर्स होता है मिरर क्या करता है जो डे लाइट है या ट्यूब लाइट है आर्टिफिशियल लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करता है तो जो लाइट गिरती है उसको रिफ़्लेक्ट करता है यहाँ पर ठीक है कंडेंसर लेंस है यह क्या है कंडेंसर लेंस है कंडेंसर लेंस क्या करता है फोकस करता है लाइट ऑन दिस क्या है स्टेज स्टेज के ऊपर स्टेज के बीच में होल होता है यहां पर क्यों होल है क्योंकि इस स्टेज पे रखी जाएगी आपकी स्लाइड। जो स्लाइड जो है उसके अंदर वो होगा जो आपको देखना है जैसे सपोज करो आपको अमीबा देखना है तो स्लाइड बनाओगे आप अमीबा स्टेन करोगे उसके बाद लाइट गिरेगी लाइट के बिना आप देख पाओगे कोई चीज नहीं देख पाओगे ना ठीक है और ये आपके हैं ऑब्जेक्टिव लेंस ठीक है ये अलग अलग पावर के हैं आपके ऑब्जेक्टिव लेंस अभी मैं आपको पार्ट्स सिखा रही हूँ उसके बाद सबके फंक्शन बताऊंगी ठीक है ये आपकी बॉडी ट्यूब है जो ऑब्जेक्टिव लेंस को आई पीस के साथ जोड़ रही है ये आपका है आई पीस ठीक है तो क्या है आपका आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में जो जगह है इसको बोलते हैं बॉडी ट्यूब क्या बोलते हैं बॉडी ट्यूब ठीक है ये है आपकी आर्म जिसको पकड़ के जो पकड़ने में मदद करती है और जो क्या कर रही है स्टेज को जोड़ रही है आर्म के साथ है हाँ ना फाइन स्टेज पे आपकी स्लाइड रखी जाएगी जो आपको देखनी है ठीक है फाइन आपको पार्ट समझ आए तो आपके कंडेंसर लेंस ऑब्जेक्टिव पीस और आई पीस ठीक है ऑक्यूलर पार्ट है ठीक है फाइन ओके तो अब हम क्या करेंगे हम एक एक पार्ट समझने की कोशिश करेंगे अब इस माइक्रोस्कोप में आप देख सकते हैं एक्सटर्नल सोर्स नहीं है लाइट है यहाँ पे, ठीक है माइक्रोस्कोप में खुद इलेक्ट्रिसिटी आप ऑन करेंगे और बटन ऑन करेंगे और ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी ठीक है फाइन तो लाइट कंडेंसर लेंस से जाएगी कंडेंसर लेंस क्या करता है फोकस करता है लाइट ऑन द स्लाइड ठीक है यहां पे स्लाइड रखी जाएगी ये जो आपको देख रहे हैं ये स्टेज क्लिप्स हैं ये स्टेज क्लिप्स हैं फाइन ओके जो स्लाइड को पकड़ के रखेंगे चलो शुरू करते हैं एक एक चीज समझना ये देखो आई पीस जो आई पीस होता है उसे ऑक्यूलर लेंस बोलते हैं और ये अलग अलग मैग्नीफिकेशन का होता है टेन एक्स फिफ्टीन एक्स ठीक है टेन एक्स मतलब इट विल मैग्नीफाई टेन टाइम्स ओके एंड फिफ्टीन एक्स इट विल मैग्नीफाई फिफ्टीन टाइम्स द ऑब्जेक्ट ठीक है पर एक चीज़ ध्यान में रखना जो ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज है वो आई पीस लेंस की ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए वो उसको मैग्नीफाई करेगा आईपीस लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज को मैग्नीफाई करेगा अगर ऑब्जेक्टिव लेंस सपोज करो अगर ऑब्जेक्टिव लेंस 40 टाइम्स मैग्नीफाई कर रहा है सपोज करो ऑब्जेक्टिव लेंस 40 टाइम्स मैग्नीफाई कर रहा है ठीक है ऑब्जेक्ट को और आईपीस लेंस टेन टाइम्स मैग्नीफाई कर रहा है। तो टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगी टोटल मैग्निफिकेशन होगी 40 इंटू टेन मतलब 400 टाइम्स आपका मैग्निफाई होगा ऑब्जेक्ट ठीक है क्योंकि आई पीस किस चीज को आप मैग्निफाई करता है ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज को जो इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाई है वो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट है उसको मैग्नीफाई करता है तो टोटल मैग्निफिकेशन क्या हुई टोटल मैग्निफिकेशन हुई आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस इन टू आई पीस लेंस की मैग्निफिकेशन अंडरस्टूड इफ यू हैव अंडरस्टूड हिट द लाइक बटन ठीक है तो आई पीस समझ आया चलो आगे बढ़ते हैं ये देखो ये बैरल क्या है बॉडी ट्यूब विच इज कनेक्टिंग ऑब्जेक्टिव लेंस टू पीस उसके बाद आम देख लो आम देख लो आम क्या है यहाँ पे ये जो आम है वो कनेक्ट उठाने के काम आती है ठीक है ओके okay. आम इज डन देखो ठीक है रेज इज ऑब्जेक्टिव लेंस अब द स्टेज ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव लेंस को ऊपर रखना है ना स्टेज से चिपका के तो नहीं रखना लेंस खराब हो जाएगा तो लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस है सपोज करो और यह स्टेज है तो यह चिपकना नहीं चाहिए टकराना नहीं चाहिए स्टेज ऊपर नीचे हो सकता है स्टेज आगे पीछे भी हो सकता है ऊपर नीचे भी हो सकता है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब ये देखो ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो बहुत टाइप के होते हैं अगर आपके स्कूल में इतनी प्रविजन है तो आपको ढेर सारे ऑब्जेक्टिव लेंस मिल सकते हैं एक ही माइक्रोस्कोप के अंदर ये ये होता है नोस पीस ये आप चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं फोर एक्स का यूज़ करना फोर एक्स यूज़ कर सकते हैं टेन एक्स का तो टेन एक्स फोर्टी हंड्रेड आप अलग अलग मैग्नीफिकेशन पार का ऑब्जेक्टिव लेंस यूज कर सकते हैं ठीक है गाइज चलो आगे बढ़ते हैं स्टेज ये स्टेज है जहाँ पे आपकी स्लाइड रखी जाएगी मैंने बोला ना स्टेज क्लिप्स के बीच में स्लाइड ही लेना ताकि ठीक है और ये स्टेज मूवेबल होता है क्यों मूवेबल होता है आपको एडजस्ट करने के लिए कि आपको कैसे देखना है ठीक है कितना ऑब्जेक्टिव लेंस कितना पास लाना है स्टेज के ओके गाइज चलो आगे देखो कोर्स फोकस और फाइन फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है देखो कोर्स फोकस और फाइन फोकस यहाँ पे जो दिख रहे हैं ना आपको ये ये बड़ा वाला होता है कोर्स और ये छोटा वाला होता है फाइन फोकस ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माइक्रोस्कोपी में कोर्स फोकस होता है जैसे सपोज करो मैंने स्लाइड रखी ठीक है सबसे पहले कहा जाता है सबसे एडवाइजेबल है कि आप ऑब्जेक्टिव लेंस कम पावर पे रखो 4x पे 10x पे ठीक है और आई पीस के थ्रू आप अपनी आई रखो और देखो कि कहाँ पे आपको इमेज दिखनी शुरू हो गई है ठीक है तो कोर्स फोकस को घुमाया जाता है जहाँ पे आपको इमेज दिखती है वहाँ पे रुक जाओ जैसे कोर्स फोकस को घुमा रहे हो जब आपको कोर्स फोकस पे आपने घुमाया और आपको इमेज दिख रुक जाओ रुक के उसके बाद क्या करना है उसके बाद अपने ऑब्जेक्टिव पीस को घुमाना है नोस पीस है ना नोस पीस जो ये है ये नोज पीस है नोस पीस में क्या है ढेर सारे ऑब्जेक्टिव लेंस अगर आपके पास तो आप फोर्टी एक्स पे घुमा दो ठीक है सबसे पहले फोर्टी एक्स पे घुमा दो आपने फोर्टी पे घुमाया घुमा रुक जाओ स्टेज को हिलाना नहीं है स्टेज को बिल्कुल नहीं हिलाना ठीक है जब आपने ऑब्जेक्टिव फोर्टी एक्स पे घुमाया तो क्या करना है फिर फाइन ट्यून करना है फ़ाइन फोकस यूज़ करना है फ़ाइन फोकस इज़ लाइक रेडियो में होता है रेडियो में नहीं आप करते कि आप अलग अलग एफ एम फ्रिक्वेंसीज ढूंढते हैं वैसे ही एक परफेक्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाती है तो गाने बजने शुरू हो जाते हैं वैसे ही यहाँ पे क्या करना है आपको फाइन फ़ोकस करना है थोड़ा सा घुमाना है जब फाइन फ़ोकस हो जाए आपको बेस्ट रेजोल्यूशन जब दिख जाए रुक जाओ और ऑब्जर्व करो अपनी फील्ड फील्ड क्या होता है वो एरिया जो आपको दिख रहा है जैसे आप आपको अभी इमेज दिखाई ना मैंने आर बी सीज डब्ल्यू बी सीज़ अच्छे से दिख रहे थे ठीक है जब एकदम शार्प इमेज मिल जाए आपको तब रुक जाओ और ऑब्जर्व करो ठीक है गाइस ओके डिटेल्स ओके सो दैट इज ऑल फॉर द यू कैन से द पार्ट्स ऑफ द माइक्रोस्कोप कोर्स फोकस फाइन फोकस लैम्प आपको पता ही है लैम्प क्या होता है गाइज लैम्प और डायफ्राम सबसे इंपॉर्टेंट है डायफ्राम जो मिस हो चुका है मेरे से डायफ्राम क्या होता है देखो जो लाइट जा रही है लाइट सोर्स से कितनी लाइट जानी चाहिए ठीक है आयरिस आपकी आई में भी तो आयरिस होता है आयरिस कंट्रोल करता है ना कि कितनी लाइट जाए पीपल से वैसे ही यहाँ पे भी डायफ्राम कंट्रोल करेगा कि कितनी लाइट आपके लाइट सोर्स से स्लाइड के ऊपर जाए ठीक है फाइन ओके सो इट विल वेरी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रोजेक्टिंग अपवर्ड्स अंडरस्टूड फाइन वेरी गुड सो दैट इज ऑल फॉर द पार्ट्स अब देखो अब हमें करना है कि स्लाइड प्रिपेयर कैसे करते हैं ये आपके बुक में नहीं दिया पर मैंने सोचा कि ये इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको इमेजिन करना होगा स्लाइड होती क्या है स्लाइड एक ग्लास स्लाइड होती है बिल्कुल साफ़ रखनी होती है अपने हाथों से गंदी नहीं करनी होती हाथ धो के या ग्लव्स पहन के स्लाइड को यूज़ करना होता है ठीक है तो सपोज करो कि आप ब्लड को स्टेन कर रहे हो कुछ भी स्टेन कर सकते हो कोई भी बैक्टीरिया भी स्टेन कर सकते हो ठीक है बैक्टीरिया स्टेनिंग होती है अलग अलग टाइप की स्टेनिंग आप करते हो ठीक है आप अनियन का रूट टिप सेल भी स्टेन कर सकते हो जैसे ये इस साल आएगा आपको तो यहाँ पे क्या किया है यहाँ पे एक ड्रॉप लिया सपोज करो बैक्टीरियल कल्चर का स्लाइड पे डाल दिया स्लाइड पे डालने के बाद क्या करना है स्टेन करना है ठीक है जब आपने स्लाइड के ऊपर वो बैक्टीरियल कल्चर डाल दिया ना तो ऐसे फैलाते हैं प्यार से फैलाते हैं उसको बोलते हैं स्मियर क्या बोलते हैं स्मियर स्मियर थिन होना चाहिए हमेशा थिन मतलब आपको प्यार से स्लाइड के ऊपर ऐसे स्मियर बनाना होता है उसके बाद स्टेन डालना होता है कैसे देखोगे बैक्टीरिया कोई कलर लेके तो बैठे नहीं हैं राइट तो आपको स्टेन करना पड़ेगा अलग अलग टाइप के स्टेन्स होते हैं वो मैं डिस्कस करूँगी उसके बाद आपको क्या डालना पड़ेगा कवर स्लिप क्या डालना पड़ेगा कवर स्लिप ये जो स्क्वेयर कलर की दिख रही है देखो कितने प्यार से कवर स्लिप डालते हैं एक पिन यूज़ करके एकदम धड़म डाल दोगे ना कवर स्लिप तो एयर बबल्स आ जाएंगे वो आपको नहीं करना प्यार से कब स्ल फोर्टी फाइव डिग्री एंगल पे रखनी है और आराम से डाल देनी है ठीक है एकदम डाल दोगे ऊपर ऐसे तो आपकी स्लाइड खराब ठीक है अब देखो ये एक स्लाइड प्रिपरेशन मैंने दिखाने की कोशिश किया ब्लड की तो ये स्लाइड है ये ब्लड स्मियर है सपोज करो आप ब्लड स्लाइड प्रिपेयर कर रहे हो तो ये दूसरी स्लाइड होती है ये जो ब्लैक कलर की लाइन दिखाई है आई एम ट्राइंग टू शो अनदर स्लाइड तो ये एक स्लाइड है ये ब्लड ड्रॉप है ये दूसरी स्लाइड है तो क्या करना है आपको ऐसे आराम से स्मियर बनाना है देखो स्लाइड को टच करो ब्लड स्मियर के साथ ठीक है उसके बाद क्या करो ऐसे ऐसे कर लो या ऐसे कर लो आपकी मर्जी है बस फैलाना है और थिनली फैलाना है थिक नहीं बनाना ऐसे इतना सुंदर आपको दिखेगा ब्लड स्मियर जितना थिन स्मियर होगा उतना अच्छा है ठीक है फाइन उतना अच्छे से स्टेन भी होगा तो ये आपको ये स्लाइड दिख रही है इसमें ये ब्लड स्मीयर बना है इसके बाद स्टेन कर दो जनरली आप स्टेनिंग करते हो लीशमैन स्टेन के साथ ये सब मैं आपको अगले प्रैक्टिकल में भी बताऊंगी। डोंट वरी ठीक है सब चीज़ें आज तो नहीं हो सकती पर इतना बता देती हूँ कि ब्लड स्टेनिंग होती है लीशमैन स्टेन के साथ सॉरी एक नहीं आता है लीशमैन इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट ठीक है तो लीशमैन स्टेन के साथ क्या होता है आपका फ़ायदा क्या है कि आपकी हर एक चीज़ स्टेन हो जाती है न्यूक्लियस भी और साइटोप्लाजम भी ठीक है एक बहुत सुंदर कॉन्ट्रास्ट बनता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाजम भी क्यों क्योंकि न्यूक्लियस एसिडिक होता है है ना डीएनए है तो एसिडिक है और साइटोप्लाज्म होता है बेसिक तो क्या बोलना चाहती हूँ मैं कि न्यूक्लियस एसिडिक है और साइटोप्लाज्म बेसिक है तो लीशमैन स्टेन में दोनों टाइप के स्टेन्स हैं बेसिक डाई भी है और एसिडिक डाई भी है ठीक है जो एसिडिक डाई है वो साइटोप्लाज्म को स्टेन करती है और जो बेसिक डाई है वो किसको स्टेन करती है न्यूक्लियस को ठीक है क्योंकि न्यूक्लियस एसिड है तो उसको बेसिक डाई स्टेन करेगी अगर साइटोप्लाज्म पॉजिटिव है बेसिक है तो उसको एसिडिक डाई स्टेन करेगी ठीक है समझ आई ये बात तो इसीलिए आपको लीशमिन स्टेन में अच्छा कॉन्ट्रास्ट दिखता है साइटोप्लाज्म भी दिखता है और न्यूक्लियस भी दिखता है वहीं कुछ स्टेन होते हैं जैसे मिथिलिन ब्लू जैसे मिथिलिन ब्लू मिथिलिन ब्लू जो है वो सिर्फ न्यूक्लियस स्टेन करता है बिकॉज इट इज़ अ बेसिक डाई इट इज़ अ बेसिक डाई ठीक है फाइन वेर एज देर इज अनदर स्टेन नोन एज इओसिन ईसिन जो है वो सिर्फ वो क्या है एसिडिक डाई है ठीक है एसिडिक डाई है तो वो क्या स्टेन करेगी साइटोप्लाज्म स्टेन करेगी समझ आया सबको जो बेसिक डाई है वो एसिडिक कॉम्पोनेट्स ऑफ द सेल स्टेन करेगी जो आपकी एसिडिक डाई है वो बेसिक कॉम्पोनेन्ट्स ऑफ द सेल स्टेन करेगी जिस जिसको ये समझ आ गया प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन ताकि हम आपको ऐसे ही नए नए कॉन्सेप्ट समझाते रहें ठीक है आपकी नॉलेज इंप्रूव करते रहें ठीक है ओके okay. तो अब मैं आपको सारे पार्ट समझा चुकी हूं ठीक है तो आपको पता है सब कुछ फुट या बेस वो जो आपको नीचे दिख रहा था वो यू शेप का वो क्या है फुट है जो हेल्प करने में रखने में हेल्प करता है ठीक है पिलर पिलर आपको क्या है पिलर वो वर्टिकल प्रोजेक्शन था मैं आपको यहां पे दिखा देती हूँ ये देखो ये पिलर है ठीक है फाइन ओके और ये इंक्लिनेशन जॉइंट है जहां पे आपकी आर्म ज्वाइन कर रही है पिलर को ये आपका इंकलनेशन ज्वाइंट है ठीक है सारे पॉइंट समझ आगे एक बार देख लो पिलर देख लो ये बेस है फुट भी बोलते हैं बेस भी बोलते हैं पिलर इंक्लेनेशन जॉइंट आर्म बॉडी ट्यूब ठीक है pillar, joint, arm, tube, यहाँ पे कंडेंसर लेंस के पास आयरिस होता है जो कंट्रोल करता है कितनी लाइट जाएगी स्लाइड पर ठीक है ये स्टेज है ये स्टेज क्लिप्स हैं ये ऑब्जेक्टिव लेंस हैं ये बॉडी ट्यूब है ये आई पीस है ठीक है थीके? ये फाइन फोकस है और ये कोर्स फोकस है ठीक है समझ आ गए सारे पार्ट ओके okay. देखो आम देख लो पकड़ने में मदद करती है स्टेज रेक्टेंगुलर है ऊपर नीचे जा सकता है ठीक है ये सब लिखा हुआ है ये चीज ध्यान रखना कि होल है स्टेज में क्यों जहां पर आप स्लाइड रखेंगे आपको हमेशा अपना स्पेसिमेंट बीच में रखना है जहाँ पे होल है ताकि लाइट उस स्पेसिमेन के थ्रू क्रॉस कर सके ठीक है ये नहीं कि आपका स्पेसिमेंट यहाँ पे है और होल यहाँ पे है ठीक है स्टेज में जो होल है उसके ऊपर डायरेक्टली आपको स्पेसिमेंट रखना है ये नहीं कि स्पेसिमेंट यहाँ पे है और होल साइड पे है बीच में ठीक है ऐसे नहीं करना दिखेगा कैसे राइट फाइन ओके लेट्स मूव फॉर द फर इंक्लिनेशन जॉइंट आपको बता दिया है मैंने क्लिप्स आपको समझा दिया है मैंने ठीक है हर एक पार्ट डायफ्राम आपको मैंने बता दिया कि कंट्रोल करता है कितनी लाइट जा रही है पास हो रही है तो आई थिंक आई एम कवर्ड अप नोज पीस मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो है अलग अलग मैग्निफिकेशन के होते हैं तो आपको चेंज करना है तो नोज पीस घुमाना पड़ेगा ठीक है बॉडी ट्यूब बता दी है जो आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस को ज्वाइन करेगी ओके गाइज okay, फाइन एडजस्टमेंट ऑफ बता दिए फोकस करने के लिए मदद आती है कोर्स फोकस बता दिए सबसे पहले कोर्स फोकस यूज करना है फिर फाइन फोकस ठीक है ऑप्टिकल पार्ट्स आपको बता दिए आई पीस है ठीक है आई पीस अलग अलग वेरी का होता है मिरर आपको बता दिए कईयों में मिरर होता है कईयों में मिरर क्या करता है जो लाइट है एक्सटर्नल सोर्स की वो रिफ्लेक्ट करता है ठीक है इनटू द माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव लेंस बता दिया ऑब्जेक्टिव लेंस अलग अलग का होता है ये देखो हंड्रेड एक्स का भी होता है हंड्रेड एक्स का जब आपको यूज़ करना होता है ना तो अलग तरीका होता है स्टेनिंग का आपको ना ऑयल ग्लीसरीन ऑयल यूज़ करना पड़ता है ठीक है नॉर्मली तो आप ग्लीसरीन यूज़ करते हैं पर इसमें आपको ऑयल यूज़ करना पड़ेगा फाइन बहुत ही ज़्यादा मैग्नीफाइड इमेज मिलती है आई डोंट थिंक आपके स्कूल में कराएंगे अगर कराएंगे तो मुझे ज़रूर पताना ठीक है हंड्रेड एक्स यूज़ करना ओके okay. यूज़ कैसे करना है ये मैं आपको बता चुकी हूँ डस्ट करना अच्छे से पकड़ना है ठीक है और मिरर को ऐसे एडजस्ट करना है कि लाइट अच्छे से पेनिट्रेट करे ठीक है पर ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा भी ब्राइट ना हो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से देखना पसंद है ज़्यादा ब्राइट होगा तो आपको दिखेगा नहीं ठीक है स्पेसिमेन फिर टेन एक्स पे रखो उसके बाद फोर्टी एक्स पे रखो ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ ठीक है सो ये सब आप पढ़ लेना ये सब आपके लिए लिखा है नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्यों लिखा है ताकि आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स बना लीजिए ठीक है तो सम पार्ट्स आर डिटैचेबल जैसे आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस और मिरर्स तो प्यार से रहना रह है ठीक है सम पार्ट्स आर इमूवेबल बेस स्टेज ठीक है और सम पार्ट्स आर मूवेबल जैसे आपका आपका क्या मूवेबल होता है नॉब्स मूवेबल होते हैं ठीक है बॉडी ट्यूब मूवेबल होती है ठीक है क्लिप्स मूवेबल होते हैं आगे पीछे ठीक है केयरफुल क्या रहना है माइक्रोस्कोप यूज़ करते हुए कि आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा रखते वक्त टेस्टिंग करते वक्त लेंस जो सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होती है जो लेंस है ना वो स्पेसिमिन को टच कर जाता है लेंस बहुत एक्सपेंसिव होते हैं तो आपको अपना लेंस का ऑब्जेक्टिव लेंस को टच नहीं करना स्लाइड पे ठीक है फ़ाइन कुछ भी प्रॉब्लम हो अपने टीचर से पूछो मुझसे पूछो और खेलना नहीं है ठीक है फाइन समझ आ गया चलो ग्रेट सो वी आर ओवर विद द लेक्चर आई होप आप सबको पसंद आया है माइक्रोस्कोपी के बारे में क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ प्रिकॉशंस पूछे जाते हैं पार्ट्स पूछे जाते हैं ठीक है आपको पूछा जाएगा किस पार्ट का क्या फंक्शन है बाई वोसी में तो आपको पता होना चाहिए वो सब लिखा हुआ है आपको ये मिल जाएगा इन द पी डी एफ फॉर्म ओके नाउ लेट मी टेल यू मंडे वेन्सडे फ्राइडेज को मैं आती हूँ नौ बजे ठीक है इलेवेंथ क्लास के लिए फिजिक्स के लिए सुमित सर आते हैं ठीक है मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे को ट्यूजडे एंड थर्सडे एंड सैटरडे को इलेवेंथ क्लास के लिए मैथ्स के लिए उमेश सर आते हैं जिन्होंने पी सी एम भी ले रखा है और साक्षी मैम आती हैं केमिस्ट्री के लिए तो अलार्म लगा लीजिए क्योंकि आपने अलार्म नहीं लगाया तो आप मिस आउट कर देंगे ठीक है ओके ओके फॉर गेटिंग रेगुलर अपडेट्स प्लीज़ जॉइन अस एट टाइमी यू आर एल डॉट कॉम अच्छे से लिखना है ये नहीं कि कुछ गड़बड़ कर दी लिखते हुए बहुत बच्चे कहते हैं है, मैम चल नहीं रहा आप ब्राउजर में सही से टाइप नहीं करते है. स्लैश अन अकेडमी चैट ठीक है गए दैट इज़ अ टेलीग्राम ऐप अब बहुत बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेनी है तो उनको बता दूं कि आपको फ़ायदे क्या मिलेंगे वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ ठीक है लाइव क्लासेस मिलेंगी बेस्ट टीचर से पढ़ने को मिलेगा जितना मैंने अभी पढ़ा है उससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम 100-200 क्वेश्चंस क्वेश्चन यूट्यूब पर नहीं डिस्कस कर सकते ना तो वो सब आपको मिलेंगे सब्सक्रिप्शन में ठीक है गाइज़ टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी डी मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे राइट तो आपको क्या करना है सबसे पहले जाना है अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे गए उसके बाद इंस्टॉल करनी है इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है गाइस प्लस पे जाना है प्लस में जाने के बाद गोल चूज़ करना है आपका गोल है क्लास इलेवेंथ या क्लास ट्वेल्थ ठीक है जो क्लास ट्वेल्थ के भी बच्चे अगर देख रहे हैं तो क्लास इलेवेंथ चूज करना है उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि सिमरन लाइफ कोड अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर मेरी बात मानो अगर आप मेरे पर विश्वास रखते हो तो ट्वेल्व मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लो फायदे में रहोगे उससे कम का लोगे ट्राई कर सकते हो ठीक है वन मंथ का नाइन्टी नाइन रुपीज़ ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए है ठीक है और वो भी ये कोड अप्लाई करने पे बिना ये कोड अप्लाई किए आपको नहीं मिलेगा ठीक है और 12 मंथ्स का 11,250 अब देखो सिक्स मंथ्स का कितना है 9,000 ठीक है 12 मंथ्स का 11,250 क्या डिफरेंस हुआ 12 मंथ्स का आपको मिल रहा है 11,250 ठीक है और सिक्स मंथ्स का आपको मिल रहा है 9,000 ठीक है तो डिफरेंस क्या हुआ टू थाउजेंड टू आपको इतने से डिफरेंस में आपको छः मंथ्स की एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल रही है तो एक इंटेलिजेंट इंसान क्या करेगा ऑब्वियसली ट्वेल्व मंथ्स का लेगा इंस्टेड ऑफ सिक्स मंथ्स राइट गाइज डू यू अग्री ठीक है चलो सो गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वी हैव अदर चैनल्स ऑल्सो फॉर रेगुलर अपडेट्स ओके एंड यूज द कोड अगर आप नहीं चाहते कि आप ट्वेल्व मंथ्स का लो थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है अभी तो एक मंथ का ट्राई कर सकते हो फॉर द स्टार्टिंग पीरियड नाइनटी नाइन टू सी हाउ अन अकेडमी ऐप वर्कस ओके हाउ द प्लस क्लासेज वर्क विद यूजिंग द कोड सिमरन लाइफ एंड शेयर दिस विद एवरीबडी दैट अन अकेडमी हैज स्टार्टड लर्न विद अन अकेडमी हैश टैग सी बी एस ई इज़ नो ईजी ओके इंस्टा पे शेयर करो ट्विटर पर शेयर करो फ्रेंड्स के साथ शेयर करो फेसबुक पे और इसे वायरल बना दो ठीक है गाइज ओके चलो गाइज बाय बाय टेक केयर